नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस क्राइसिस देश में अभी खत्म हुई नहीं है कि अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस जैसी खतरनाक बीमारियों के बारे में खबर में सुनने को मिल रहा है। और जब मैं खतरनाक कहता हूं तो ये वाली बीमारियां सही में खतरनाक हैं। COVID-19 अगर आपको हो जाता है तो करीबन 90% चांसेस हैं आपकी जान बच जाएगी, जिंदा रहोगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये ब्लैक फंगस आपको हो जाता है तो सिर्फ 50% चांसेस है जिंदा बचने के, तकरीबन 50% इसका डेथ रेट है। तो क्या है ये ब्लैक फंगस की बीमारी, कैसे होती है, कैसे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को बनाने के लिए एक बारी फिर से मैंने कंसल्ट किया इंडिया की वन ऑफ द टॉप वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग से। तो डॉक्टर कांग, ये ब्लैक फंगस क्या है? ये एक नई डिजीज आ गई है COVID-19 के बाद। ये नई डिजीज नहीं है, ये फंगल इन्फेक्शंस तो पहले भी होती थी और अभी भी हो रही हैं। ब्लैक फंगस बीमारी का फॉर्मल नाम है म्यूकोर माइकोसिस। ये एक ऐसी बीमारी है जो म्यूकोरलेस फंगल फैमिली से होती है, मतलब वो फंगस जो म्यूकोरलेस फैमिली में बिलोंग करती हैं। और इस प्रकार की फंगस ऑलमोस्ट हर जगह पाई जाती है, मिट्टी में, इन्वायरमेंट में, आपके डिकेइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, फल में, सब्जियों में, बहुत कॉमन है ये। ये फंगस है और ये फंगस आप कहीं भी देखें ये फंगस फैला हुआ है, तो इसे एनवायरमेंटल कंटामिनेंट कहते हैं। ये जो बीमारी है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की कैटेगरी में आती है, यानी ये ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो आम तौर पे नॉर्मल कंडीशंस में तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इन वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगस को, तब जाकर ये अटैक करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं लोगों को। अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ये जो म्यूकोरलेस वाली फंगस है, ये आमतौर पर पर्यावरण में काफी जगह मिलती है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर ये चली जाती है, अगर आप एक फिट और हेल्दी इंसान है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर ये आ गई है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, इम्यून सिस्टम कमजोर है, और इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कई रीजंस हो सकते हैं, तो आपको ये इन्फेक्शन कर सकती है। अगर किसी को, मतलब किसी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो कितना चांसेस है होने का? तब भी बहुत ही रेयर डिजीज है, क्योंकि अगर आपकी एनवायरमेंट साफ रहे तो ऐसी डिजीजेस ज्यादातर होती नहीं है। एनवायरमेंट साफ रहनी चाहिए और स्टीरॉइड्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और दूसरे जो ड्रग्स रहते हैं जो इम्यून सिस्टम का फंक्शन कम कर देते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंस जो कहा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट जब चलती है तब ये म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। अच्छा, तो कोई एक हेल्दी इंसान है, यंग इंसान है, जिसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई बाकी चीजें नहीं है, तो बहुत नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि उन्हें फिर ये होगा। वेरी 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 रेयर। तो क्या कारण है जिनसे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है? अगर आपको कोई भी और डिजीज है, जैसे कि आपको कैंसर है और आप कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करा रहे हो, उससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज है, या फिर आप COVID-19 की ट्रीटमेंट करवा रहे हो और काफी लंबे समय के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हो, या फिर ओवर यूज कर रहे हो स्टेरॉइड्स का, उससे भी इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। तो इसी चीज का फायदा उठाकर ये फंगस आपकी बॉडी के अंदर पहुंचकर आपको इन्फेक्शन कर सकती है। और आपकी बॉडी के अंदर पहुंचने के भी कई जरिए हो सकते हैं। एक तो है हवा से ही, आप सांस अंदर लेते हो और हवा में इस फंगस के बहुत छोटे छोटे स्पोर्स मौजूद होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है खाने से, अगर खाना खराब हो, डिकेइंग फंगस उस पर लगी हो, तो आपके पेट के अंदर जाकर इन्फेक्शन हो सकता है। एक तरीका है वुंड से, अगर वो स्पोर्स आकर आपके वुंड्स को कंटेमिनेट कर दे। लेकिन सबसे कॉमन तरीका है हवा के ही जरिए, सांस के थ्रू आपकी लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं ये। नोज और साइनस का जो एरिया है, ये सबसे कॉमन एरिया है जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। और यहां पर ब्लड फ्लो जब रिस्ट्रिक्ट होता है, स्किन में डिस्कलरेशन हो जाती है ब्लैक कलर की कई बारी, यहीं से ही इसका नाम आता है ब्लैक फंगस। ऐसा नहीं है कि ये फंगस एक्चुअली में ब्लैक कलर की है, बल्कि ये जो सिम्टम होता है यहां पर ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस नाम दिया जाता है। अब यहां से ये इन्फेक्शन आंखों में भी स्प्रेड कर सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, इससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है, सीजर्स भी हो सकते हैं। कितना टाइम लगता है नॉर्मली होने में, इन्फेक्शन से लेकर सिम्टम्स आने में? ये जब लोग बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं तो ये हफ्ते से कम प्रोग्रेशन का टाइम होता है।
तो एक हफ्ते में पता लग जाता है कि हुआ है कि नहीं। अगर एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सिम्टम्स होंगे आपकी बॉडी में, ये उस पर डिपेंड करता है कि ये फंगस आपकी बॉडी के अंदर कहाँ ग्रो होने लग रही है। अगर हम साइनस वाले एरिया की बात करें तो आपको दांतों में दर्द हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकती है और यहाँ पर ब्लैक कलर के लेजियंस फॉर्म हो सकते हैं और फीवर हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपकी लंग्स से स्प्रेड होना शुरू हुआ है तो आपको फीवर, खांसी, चेस्ट पेन और ऐसी वॉमिटिंग या खांसी होंगी जहां पर खून निकले या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर ये स्किन पर होता है, कोई घाव है आपकी बॉडी पर, उस वुंड में ये इन्फेक्शन होता है तो उसके अराउंड ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। अगर ये आपको पेट के जरिए होता है, उसे कहा जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस, तो उसमें आपको एब्डोमिनल पेन होगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, सबसे कॉमन वही है जो सांस लेने के जरिए से होता है, तो जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स मैंने आपको बताया उन्हीं पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। तो बहुत ही जनरल से सिम्टम्स होते हैं और उनको डायग्नोस करने के लिए बायोप्सी की जरूरत पड़ती है और फिर अगर लंग में इंफेक्शन रहती है तो एक्सरे या सीटी स्कैन की जरूरत होती है। ये बीमारी जिनको हो जाती है उनके लिए बड़ी खतरनाक है, बहुत ज्यादा हाई डेथ रेट है, जैसा मैंने आपको बताया था 50% मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिवियर डिजीज हुआ तो 90% तक डेथ रेट जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये डिजीज बहुत रेयर है, जिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उनको भी काफी रेयरली होता है। और अगर आप फिट और हेल्दी इंसान हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो चिंता करने की आपको कोई बात ही नहीं है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीफंगल मेडिसिंस दी जाती हैं पेशेंट्स को, लेकिन आज के दिन देश में इन एंटीफंगल मेडिसिंस की भी कमी हो रही है क्योंकि ये डिजीज इतनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है देश भर में। राजस्थान और तेलंगाना जैसी स्टेट्स ने तो ऑलरेडी ब्लैक फंगस को एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, सारी स्टेट्स को वार्न किया है इस डिजीज के बारे में। दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका है सर्जरी के द्वारा, जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है उसे बॉडी से हटाया जाता है। अक्सर कई पेशेंट्स में इसका मतलब होता है कि उनका पूरा का पूरा जॉ हटाना पड़ा या फिर किसी की आंख को हटाना पड़ा क्योंकि आंख इन्फेक्टेड है, तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। पहले अगर आपको डायबिटीज है तो ये डायबिटीज का कंट्रोल रखना पड़ता है, शुगर्स का टाइट कंट्रोल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों को स्टीरोइड्स लेने की जरूरत होती है उन्हें ही स्टीरोइड्स दिए जाने चाहिए। तो अगर आपके डॉक्टर कहें कि स्टीरोइड्स लेना चाहिए तो पूछे क्यों, क्योंकि मैंने जो देखा है कि इनअप्रोप्रिएट स्टीरोइड ट्रीटमेंट जो चल रही है बहुत ही ज्यादा है और इसे करने के कारण ही यहीं पे भारत में ही हम म्यूकोरमाइकोसिस देख रहे हैं और कहीं नहीं। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में म्यूकर नहीं है। तो हमने जैसे वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था उसमें लिखा था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे गिरता है तभी स्टेरॉइड्स देने चाहिए। 90 से कम होने के बाद ही हम समझते हैं कि ये मॉडरेट से सिवियर की तरफ जा रही है बीमारी, तभी स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो लोग ओवर यूज कर रहे हैं वो 90 के ऊपर ही लेने लग रहे हैं और हर एक को 99 की सैचुरेशन पे भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखी है। अच्छा, जो कि कंप्लीटली नॉर्मल है। अब स्टेरॉइड ओवरयूज और डायबिटीज के अलावा नई इन्फॉर्मेशन ये आने लग रही है दोस्तों कि एंटीबायोटिक्स के ओवरयूज से और स्टीम इनहेलिंग जैसी चीजों से भी ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। डॉक्टर राजीव जयदेवन एक लीडिंग गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट हैं केरला के, इन्होंने एनालिसिस करी 210 पेशेंट्स पे जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ था। इन्होंने पाया कि इन सारे पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से 14% पेशेंट्स में स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और इनमें से 21% पेशेंट्स को डायबिटीज नहीं थी। इससे पता चलता है कि स्टेरॉइड्स और डायबिटीज के अलावा भी कई और पोटेंशियल कॉजेज हो सकती हैं जिससे ब्लैक फंगस होने लग रहा है और इन डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि तीन इन्हें लगता है पोटेंशियल कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। पहला है एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से अपेरेंटली फंगल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, जिंक सप्लीमेंट्स का लिया जाना, फंगाई जो होते हैं वो जिंक रिच एनवायरनमेंट में ज्यादा आसानी से ग्रो कर पाते हैं। और तीसरा, एक्सेसिव स्टीम इनहेलेशन,
मतलब कई लोग ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर बता रहे थे कि स्टीम इनहेल करनी चाहिए, उससे ब्लैक फंगस होने के इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, या फिर कोविड का एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया था, लेकिन ये चीज सच नहीं है। इनफैक्ट अगर आप स्टीम इनहेल करोगे, पहली बात तो उससे आपके अंदर मॉइस्चर बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, और फंगस के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बड़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है। और दूसरा, क्योंकि स्टीम इतनी गर्म होती है, जब आप उसे अंदर इनहेल करते हैं तो वो अंदर बर्न्स कॉज कर सकती है। अब ब्लैक फंगस तो दोस्तों अपनी जगह हो गई। ब्लैक फंगस के बाद खबरों में अब व्हाइट फंगस के बारे में सुनने को मिल रहा है, और व्हाइट फंगस के बाद अभी पिछले ही दिन मैंने येलो फंगस की भी खबरें सुनी। इनका क्या, अब क्या ये व्हाइट फंगस और येलो फंगस और नई बीमारियां हैं जो आती जा रही हैं? एम्स के चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जो सारे नाम है यहां पर, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये बेमतलब पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां बहुत ही अलग अलग किस्म की हों, अलग अलग चीजों की वजह से हो रही हों। ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं, और इनके होने के पीछे रीजंस काफी सिमिलर है, आपका वीकेंड इम्यून सिस्टम। और ऐसा नहीं है कि ये फंगस अलग अलग कलर की आ रही हो, यहां पर ये व्हाइट फंगस हो गई या येलो फंगस हो गई, ये जो नाम दिए जा रहे हैं सिम्टम्स के बेसिस पर दिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस में सिम्टम्स में यहाँ का एरिया कई बार ब्लैक हो जाता है लोगों में। व्हाइट फंगस में क्या होता है, जिन लोगों को व्हाइट फंगस होती है उनकी जीभ अक्सर व्हाइट कलर की हो जाती है, या फिर ओरल कैविटीज और फूड पाइप में उनके व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई पड़ते हैं। एस्पर्जिलस को व्हाइट फंगस कहते हैं, और एस्पर्जिलस को आपने ब्रेड पे मोल्ड देखा होगा, ब्रेड पे फंगस उगता हुआ देखा होगा, वो एस्पर्जिलस है। अच्छा। और इसके साथ इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में भी कभी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। ये एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पर्जिलोसिस एक है, और दूसरा कान में या आंख में इसकी इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो इसमें कितना मोर्टेलिटी रेट है हेल्दी लोगों के लिए? हेल्दी लोगों में बहुत ही कम मोर्टेलिटी रहती है, क्योंकि आप अगर सारे एस्पर्जिलस इन्फेक्शंस को लो तो ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे, और ट्रीटमेंट के बिना भी ठीक हो सकते हैं अगर सुपरफिशियल इन्फेक्शंस रहे। पर सिस्टेमिक इन्फेक्शंस जब हो जाए तो 20-40% मोर्टेलिटी रहती है, और वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में होती है। अच्छा, तो इसके लिए भी सेम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। स्टीरॉइड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टीरॉइड्स स्टीरॉइड्स की एप्रोप्रिएट यूजेज ये देखना चाहिए, कि जरूरत पड़े तभी स्टीरॉइड्स लेने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये जानने वाली है, ये जो सारी बीमारियां हो रही हैं यहां पर, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अलग तरीकों से हो रही हो। व्हाइट फंगस के केस में भी ये सांस के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको इन्फेक्शन करती है, बस जिन जगहों पर इन्फेक्शन होता है उसका फर्क है, और जिस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं वो अलग है, और मॉर्टेलिटी रेट में थोड़ा फर्क है। और फाइनली ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि ये सारे जो फंगस के इन्फेक्शन हो रहे हैं ये कंटेजियस नहीं है अभी तक जो बताया गया। तो कोविड 19 की तरह ये ऐसा नहीं है कि आप एक कोविड 19 के इन्फेक्टेड इंसान के पास आओगे तो आपको कोविड 19 होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कोविड 19 में होता है, लेकिन इन फंगल इन्फेक्शन के साथ ऐसा नहीं है। बड़ी फेमस कहावत है दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और ये कहावत इस केस में भी उतनी ही वैलिड है। इस डिजीज को प्रिवेंट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, इसके लिए अपने आसपास की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन्हें हाइजेनिक रखिए, साफ सफाई रखिए अपने आसपास, स्पेशली अगर आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। जरा सोचकर देखिए कि आमतौर पर फंगस किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ज्यादा फैलती है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है हवा में, और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होता है, तभी होता है ना कि जब आप फ्रिज के बाहर रखेंगे खाना क्यों खाने को तो उस पर फंगस लग जाती है। तो सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग आसपास मौजूद हैं तो। इसके अलावा स्टेरॉइड्स को बिना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के मत इस्तेमाल कीजिए, ये चीज मैंने पिछले कोविड 19 के होम ट्रीटमेंट वाले वीडियो में बताई थी, जब मैं स्टेरॉइड्स के नाम लेने लग रहा था कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इन्हें मत लीजिए, स्पेशली अगर कोई डायबिटिक लोग हैं और कोई और आपको कोई और पहले से ही प्रॉब्लम है तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन आज के दिन रियलिटी में ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर ना सिर्फ स्टेरॉइड्स का ओवर यूज किया जा रहा है, बल्कि ऐसे केसेस में भी लोग स्टेरॉइड्स का यूज कर रहे हैं जहां पे उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन के लेवल बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन थेरेपी पर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये इंश्योर करना है कि जो ह्यूमिडिफायर में पानी है उसे रेगुलरली क्लीन किया जाए और रिफिल किया जाए,
और आम तौर पे पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए, सही तरीके से हाथ धोइए, टाइम पर हाथ धोइए और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करिए। ओवरऑल कहा जाए, अगर आप एक फिट और हेल्दी इंसान है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।